यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग व्लॉग। और शादी की शॉपिंग करना वाकई इजी काम नहीं है, सो आज हम फिर से जा रहे हैं शॉपिंग पे। और आज हम जा रहे हैं सुपरमार्केट, लियाकत सुपरमार्केट, जो कि यहाँ की फेमस मार्केट है। सो मुझे लेने हैं कुछ स्टिच सूट भी लेने हैं, कुछ मेकअप की चीज़ें भी लेनी हैं, चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी हैं, कुछ ज्वेलरी भी देखनी है। सो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी साथ घूम लेंगे मेरे साथ। सो चले अब हम चलते हैं सुपरमार्केट। और रास्ते में इतना शदीद किस्म का हमें ट्रैफिक मिला था कि हम 15 मिनट ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन आखिरकार हम पहुंच गए सुपरमार्केट जो कि हमारे घर से बहुत ही करीब है। सबसे पहले मुझे लेना था एक मेकअप बॉक्स, और एक ऐसा मेकअप बॉक्स जो कि चमकीला दमकीला ना हो, जिसमें अच्छी कैपेसिटी हो, जगह हो चीज़ें रखने की, और रीज़नेबल भी हो। फिर मुझे पसंद आया काफ़ी ढूंढने के बाद इस तरीके का ये सूटकेस टाइप का मेकअप बॉक्स। इसमें 3 साइज़ थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और मैंने मीडियम वाला लिया था 1000 रुपीज़ का। स्मॉल वाला जो था वो 600 का था, और लार्ज जो था वो 1900 का था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है, प्लस ये रीज़नेबल भी है उन चमकीले दमकीले मेकअप बॉक्सेस से, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ और चीज़ें लेनी थी, फ़ेस वॉश वगैरह, बॉबी पिन्स वगैरह। यहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें भी ली थी जो कि मैं आपको अभी साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। मैंने मेकअप फिक्सर लिया था, एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, कॉम्पैक्ट लिया था, ये बॉबी पिन्स ली थी। ये हमारी कॉस्मेटिक्स की जो जो चीज़ें रह गई थी हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी। देन इसके बाद अब बारी आती है चूड़ियों की, तो मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी थी, देन उसके अलावा ब्राइडल चूड़ियाँ भी देखनी थी। यहाँ पे हम एक रैंडमली घूमते हुए एक शॉप पर आ गए थे, और यहाँ से हम चूड़ियाँ देख रहे थे। मुझे बेसिकली अपना ब्राइडल सेट बनवाना था, और कुछ नॉर्मल स्टील की चूड़ियाँ लेनी थी क्योंकि मुझे स्टील की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेट रिजेक्ट करने के बाद मैंने एक सेट सेलेक्ट कर लिया था अपना। और देन उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा और मेरी भाभी जान कुछ और चूड़ियाँ देख रही थी। यहाँ पे चूड़ियों की वैरायटी अच्छी है, आप भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम घूमते घुमाते पहुँच गए एक और शॉप पे। यहाँ पे मुझे एक स्टिच 2-पीस सूट पसंद आ गया था, यहाँ से मैंने एक 2-पीस सूट लिया था। यहाँ पे मज़ीद वैरायटी भी थी, मैक्सीज़ वगैरह की वैरायटी भी थी, 2-पीस 3-पीस सूट भी थे, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट थे। और हर तरीके कलर्स से देखे, यहाँ पे सारे कलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने 2-पीस सूट लिया था जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि बिस्किटी से कलर का लिया था मैंने। यहाँ पे अच्छी वैरायटी थी, और सुपरमार्केट में आपको स्टिच सूट्स की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। ये वाला सूट मैंने लिया था बिल्कुल कैजुअल सा, साथ में इसके वाइट कलर का ट्राउज़र था, दुपट्टा मैंने अलग से लिया था जॉर्जेट का। ये हो गया हमारा एक सूट, ठीक है जी। देन उसके बाद मुझे लेनी थी एक अदर जॉर्जेट की मैक्सी, फुल लेंथ मैक्सी। यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर की फुल लेंथ मैक्सी ली थी जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बाद वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। देन उसके बाद ये जो 2-पीस सूट लिया था उसके साथ हम दुपट्टा देख रहे थे, लेकिन कोई भी स्टॉलर दुपट्टा मुझे इस वक्त यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था, तो देन उसके बाद मैंने रिजेक्ट कर दिए थे दुपट्टे, और बाद में कहीं और से लिया था। फिर यहाँ से हम कुछ लॉन के सूट वगैरह देख रहे हैं, यहाँ से हमने ये वाला आसमानी कलर का सूट लिया था। बस ये थी टोटल शॉपिंग, और आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा सुपरमार्केट, बहुत अच्छी वैरायटी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर अब कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे ज्वेलरी की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, चूड़ियों की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। डेफ़िनेटली आप लोग यहाँ पे एक मरतबा ज़रूर विज़िट करिएगा। घूमते घुमाते हम पहुँच गए कुछ क्रॉकरी वगैरह लेने, कुछ कप ग्लासेस वगैरह देखने। बस यहाँ पर हम उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे हम कुछ मज़ीद रैंडमली शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे शादी की शॉपिंग करना कोई इजी काम नहीं है, ये मुझे पता चल गया है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज का ये व्लॉग था, और बस अब हम अब घर जा रहे हैं। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी किसी नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और कोई फरमाइश हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।